कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे, ढेरों खुशियां दे। आज मैं बनाने लगी हूँ मटर टिक्का बोली। ये चीजें चाहिए, ये 1.5 किलो गोश्त है, ये 1.5 पाव दही है, 1 प्याली घी की है, ये है 1 चम्मच भर के लहसुन का, 1 चम्मच भर के अदरक का, 1 नींबू जाएगा इसमें, काली मिर्च 1 चम्मच, 1.5 चम्मच सूखा धनिया, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, टिक्का मसाला 2 चम्मच, कुटी मिर्च 1.5 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक की, 1 चम्मच भर के काली मिर्च, 1.5 चम्मच सूखा धनिया, लाल मिर्च, ये सब चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब चीज़ें इसमें जाएगी। अदरक के लिए ये लहसुन, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे, ये चलिए दही चलेगी, एक नींबू का रस इसमें जाएगा, इसको मिक्स करना, 1 चम्मच ये गोश्त ज्यादा, 2 चम्मच चाहिए, 2 चम्मच सोया सॉस चला गया, 1 चम्मच चिली सॉस, हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना फ्रिज में, 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा। अब इसको पकाने लगे, अब इसको 10 मिनट सीटी लगानी है, ये ये 1 प्याली पानी, इसको 10 मिनट सीटी लगा दी है, ये आपको सिखा रहे हैं, 10 मिनट के लिए ये सीटी इसको लगा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए 10 मिनट सीटी लगाइए। अब इसका थोड़ा थोड़ा पानी है, ये ड्राई कर ला पीले में, ये देखिए पानी ड्राई हो गया है इसका। अब इसमें तेल डालेंगे, आपकी मर्जी हो तवा बड़ा हो उस पे तेल डाल के ये टिक्का बोटी बना सकते हैं। हम इसी तरह पतीले में बनाएंगे, इसका पानी ड्राई हो गया, अब इसमें तेल जाएगा, ऐसे बना आधी प्याली तेल की चलिए, ये आसान तरीके से आपको सिखाया, गर्मी है सीखे नहीं बने, आप ऐसे भी टिक्का बोटी बना सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये टिक्का बोटी तैयार हो गई है, आप
तवे से भी बना सकते हैं, पतीले में ही बना। ये हमने पतीले में बनाई है, आपको ऐसे ही सिखाई है। इसमें थोड़ा चाट मसाला जाएगा ऊपर से, फिर मेरा बेटा खा के बताएगा कैसी बनी है। मेरा बेटा खा के बताएगा कि कैसे बनी है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने, वेरी गुड। ये देखें माशाल्लाह टिक्का रोटी कितनी अच्छी तैयार हुई है। शाम तरीके से आपको बताइए, आप बनाए पतीले से कैसे बन गई है। गर्मी है, सीखों से नहीं बनाई, पतीले से बनाइए। आप भी बनाएं, ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।